वहाँ पर जाकर खाना खिलाएँ। ये मेरी गुजारिश भी है, ये मेरी दुआ भी है। और मेरे ख्याल में ये रिवायती बातें बहुत ज़्यादा हो गई कि जी बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत नेक थे, ये थे, वो थे। हर कोई जानता है कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। किसी को जज करना बंद करते हैं, खुदा के वास्ते बहुत जजमेंटल हो गए हैं हम अपने व्यूज़, लाइक्स, सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत लोगों को बिला वजह जज करने लगे हैं। तो खुदा रहा, ये जजमेंट आपका जो होना है किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ठीक है, दम घुटने से उनका इंतकाल हुआ है, ये बात सही है, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रेशर उन पे था, जो डिप्रेशन था, जिस वजह से वो उस बंद कमरे में मौजूद थे, उसके बारे में सोचिए यार। वो आपका और हमारा बनाया हुआ है, तो खुदा रहा इस चीज़ से परहेज़ कीजिए आगे आने वाले दिनों में, और तौबा कीजिए, अल्लाह ताला से हिदायत मांगिए। आप भी मांगिए, मैं भी मांग रहा हूँ कि हमारे भी गुनाह माफ़ हों, आपके भी हों। इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है किसी के जाने पर यार। बाकी सारी रिवायती बातें उन्हें करने का कोई फ़ायदा है नहीं मेरे दोस्त। थैंक यू सर। आपके सर आपसे मुलाकात कब हुई और क्या उसके बाद?